हेलो गाइज एंड वेलकम टू टेक विजर्ड एंड हाउ आर यू गाइज डूइंग। मेरा नाम है सादिक और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट लेके आया हूँ। बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट ने मार्केट में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड काफ़ी अच्छे हेडफोन्स को टक्कर दे रखी है, जैसे कि हमारा बोट रॉकर्स 550 हो गया, बोट रॉकर्स 450 प्रो हो गया और काफ़ी और भी हेडफोन्स। सो आज का प्रोडक्ट जो मेरे पास में है वो है नॉइस 2 और हम लोग इसका रिव्यू करने वाले हैं, अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, साथ में गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें कैसा आपको मिलने वाला है और ओवरऑल एक कैसा फील है इस प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले इसको खोलने से पहले मैं ऊपर की कुछ डिटेल्स आपको पढ़ के बता दूँ। तो आपको इसमें डुअल पेयरिंग मिल जाएगी, हाइपर सिंक मिल जाएगा, 50mm के मैसिव ड्राइवर्स मिल जाएंगे, IPX5 का वाटर रेजिस्टेंट मिल रहे हैं और 4 प्ले मोड्स मिल जाएंगे। ये सब क्या है वो हम लोग आगे जाके बात करेंगे। साथ में कंपनी ये भी बोलती है इसमें आपको मिल जाएगा 45ms जितना लो लेटेंसी। ऑल्दो ये गेमिंग हेडफोन नहीं है लेकिन कंपनी का ऐसा क्लेम करना कि ये इतना अच्छा लेटेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मैं पूरी तरीके से टेस्ट करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या सही में इतना अच्छा लेटेंसी वगैरह है और इसमें आपको एक अच्छा बेस मिल जाएगा। तो आ जाओ गाइस प्रोडक्ट को सबसे पहले खोल लेते हैं। एक चीज है जिससे मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ इस प्रोडक्ट की, वो है इसकी पैकेजिंग। काफी अच्छी पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, आई एम क्वाइट इंप्रेस्ड। अभी देखते हैं आपको क्या अंदर में मिलने वाला है इसके। सो व्हेन यू विल ओपन द बॉक्स आपको सबसे पहले मिलने वाला है हेडफोन एंड लेट मी पुल इट आउट। तो मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है, तो यार काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव इसका डिज़ाइन लगा एंड 1700 के प्राइस रेंज में इतना अच्छा दिखने वाला फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेडफोन्स नहीं मिलने वाले हैं। इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका मैंने अनबॉक्सिंग करे, जेब्रॉनिक्स, बोट जितने भी हैं, लेकिन आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द बिल्ड क्वालिटी एज वेल एज डिज़ाइन। आगे में उसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं आपको बॉक्स में क्या क्या मिलने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक ऑक्स केबल मिल जाएगा, वेरी इम्प्रेसिव क्योंकि आप डायरेक्टली कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो आफ्टर आपके हेडफोन का चार्ज खत्म हो जाए। उसके बाद में आपको एक बहुत अमेजिंग चीज़ मिल रही है, वो है USB टाइप सी चार्जिंग इसमें मिल रहा है, तो एक फास्ट चार्जिंग एक्सपीरियंस आपको इसमें मिल जाएगा। एंड पेपर वर्क में क्या है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक वारंटी कार्ड, उसके बाद में कुछ स्टिकर्स नॉइस की तरफ से मिल जाएंगे एंड फाइनली एक यूज़र मैनुअल, छोटी सी यूज़र मैनुअल है, तो ज़्यादा पेपर वर्क आपको इसमें नहीं मिल रहे, विच इज़ क्वाइट नाइस। सो अभी हम देखते हैं गाइस कि क्यों लोग इस प्रोडक्ट की इतनी तारीफ करते हैं और इतना ज़्यादा हाइप क्यों है इसके अराउंड में। तो जैसे कि मैंने बोला डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा, लेकिन लेट्स टच इट एंड सी कि आपको यहाँ पे किस तरीके का बिल्ड क्वालिटी मिलने वाले। तो फ्रैंकली इसका जो बिल्ड क्वालिटी है टच वगैरह करने में हाउ डज इट फील, तो इट फील्स वेरी सॉलिड। एक काफ़ी अच्छा मैट फिनिश आपको मिल जाएगा हेडफोन में और अगर ऊपर की तरफ देखो तो आपको एक हेडरेस्ट मिल रहे है, साथ में काफ़ी बड़े ईयर कप्स मिल रहे हैं और ये जो हेडफोन है ये ओवर द ईयर हेडफोन है, तो ये आपके कानों को पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। आगे जाके बात करेंगे कि साउंड क्वालिटी वगैरह कैसे है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा मेरे को। यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम की प्लेटिंग दी हुई है साइड में, तो एक और स्टर्डीनेस मिल जाएगी, आपके हेडफोन्स हिंजेस से नहीं निकलेंगे, दैट इज़ क्वाइट नाइस। एंड अनदर क्रेजी थिंग अबाउट इज़ दिस कि ये फोल्डेबल भी हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स इसके हैं जो फोल्ड नहीं होते हैं क्योंकि वो ओवर द ईयर एक क्वाइट बड़े हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंगली फोल्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो सकते हैं और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जो जिम वगैरह करना पसंद करते हैं या उनको कुछ कंफर्टेबल चाहिए या जो आउटडोर्स वगैरह जाना पसंद करते हैं। एक काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल ऑल इनकम्पसिंग टाइप ऑफ हेडफोन मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं फर्स्ट इंप्रेशन से। अब हम ज़रा इसके पोर्ट्स एंड बटन्स देख लेते हैं आपको क्या मिलने वाले। तो यहाँ पे ढेर सारे बटन्स वगैरह दिए हुए हैं, लेट्स सी क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको इसमें एक ऑक्स पोर्ट मिल जाएगा, वी ऑल नो ऑक्स पोर्ट किस लिए है। उसके बाद में आपको USB टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाएगा, लाइट्स का इंडिकेटर मिल जाएगा, इसमें आपको मिल जाएगा म्यूजिक कंट्रोल का बटन, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, पॉज प्ले पावर एंड कॉल बटन एक ही बटन में दिया हुआ है और उसके ऊपर में आपको एक स्लॉट मिल जाएगा जिसमें आप अपना मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हो और अपने सॉन्ग सुन सकते हो। सो गाइस बिल्ड और डिज़ाइन वगैरह के बारे में हमने थोड़ा बात किया, पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात किया, अभी इसका कंफर्ट कैसा है। तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ये हेडफोन्स अगर आप बिंज वॉचिंग वगैरह करना पसंद करते हो या अगर आपको आउटडोर्स के लिए चाहिए एक कंफर्टेबल हेडफोन्स, तो ये एक आपके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। लेट्स सी कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ व्हाट मैटर्स टू अस, साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी एंड गेमिंग टेस्ट। ये तीन चीज़ें मैं आपको करके देने वाला हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि लेना है कि नहीं।
तो सबसे पहले साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको 50mm का मैसिव ड्राइवर दिया हुआ है, तो एक काफ़ी क्लियर साउंड आपको इसमें आने वाले हैं। सो गाइस, जो सबसे पहली चीज़ जिसमें मैं फोकस करना चाहता हूँ वो है इसका बेस। आपको किस तरीके का इसमें बेस मिलने वाला है। सो इसका टेस्टिंग करने के लिए मैंने काफ़ी सारा मल्टीमीडिया कंज्यूम इस पर करा, कुछ गेमिंग करके देखा, ताकि एक मेरे को ओवरऑल आइडिया लग जाए कि जब आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करते हो तो आपको किस तरीके का बेस मिलने वाला है अलग अलग टाइप का मल्टीमीडिया कंज्यूम करते टाइम में। तो एक काफ़ी सॉलिड बेस इसमें दिया हुआ है। नॉइज़ के कुछ प्रोडक्ट्स से मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ पास्ट फ्यू मंथ्स में, एंड दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट विद देयर साउंड क्वालिटी। जो बेस है इसका काफ़ी ज़्यादा पंची है और एक बहुत ही ज़्यादा सूदिंग आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आपके कानों को ऐसा नहीं लगेगा कि आपके कानों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहे हैं। बहुत ही स्मूथ गोइंग बेस है इसमें। अगर हाइज की बात करें, आपको किस तरीके की हाइज मिलने वाले, क्या क्लैरिटी है सॉन्ग की, या किस तरीके से आपको सॉन्ग्स वगैरह में इंस्ट्रूमेंट सुनाई देने वाले, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर इसकी साउंड क्वालिटी है। मैंने कुछ ओल्ड सॉन्ग्स वगैरह इसमें सुन के देखे, तो आप लिटरली हर एक इंस्ट्रूमेंट को एक अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। बहुत अच्छे से ये साउंड बजाते हैं, अच्छी क्लियरिटी के साथ में बजाते हैं। ट्रेबल वगैरह भी इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो एक ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को मिला इसमें मल्टीमीडिया कंज्यूम करके, सॉन्ग्स वगैरह सुन के मज़ा आ गया इसको यूज़ करने के बाद में। और आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा म्यूज़िक टेस्ट, साउंड टेस्ट, जो भी आप बोलना चाहो वो मैं आपको कर देता हूँ। सो गाइस, ये तो था मेरा साउंड टेस्ट। अब हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा मेजर फैक्टर के ऊपर फोकस करने वाले हैं, जो कंपनी ने यहाँ पे बॉक्स के ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि आपको 45 ms जितना लो लेटेंसी मिलने वाला है। एज वी ऑल कैन सी, दिस इज़ नॉट अ गेमिंग हेडफोन। किसी तरीके से ये गेमिंग हेडफोन नहीं लगता है। अगर मेरे को कैटेगराइज करना हो इस हेडफोन को, तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक ऑलराउंडर हेडफोन लगे कि आप इनमें कुछ भी कर सकते हो। और अगर गेमिंग के लिए इतना अच्छा एक ऑप्शन इन्होंने दिए है और ऐसा क्लेम करें कि 45 ms जितना कम लेटेंसी आपको मिलेगा, तो भैया एक हम लोग ना इसका टेस्ट करके देख लेते हैं, ताकि आपको भी एक एक्सपीरियंस लग जाए किस तरीके से आपको गेमिंग में साउंड वगैरह आने वाला है। तो गाइज, ओवरऑल आपको एक ठीक ठाक लेटेंसी इसमें मिल जाएगा। जैसे कि अभी आपने गेमिंग टेस्ट में देखा, 45 ms जितना मैं लो तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, आपको अगर आप गेमिंग भी इसमें करना चाहो तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। अब हम फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में टेस्ट करके देखते हैं, वो है कॉल क्वालिटी। आपको किस तरीके का इसमें साउंड वगैरह आने वाले। हेलो, हाँ हेलो, बोलिए, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है? बहुत क्लियर आ रहा है आवाज़ आपका। क्लियर आ रहा है। एक्चुअली मैं अभी नॉइस टू वायरलेस हेडफोन के थ्रू मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि मेरी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही होगी तुम्हें। जी। अच्छा, कोई डिस्टॉर्शन, किसी तरह का नॉइस, कोई ऐसा कुछ वॉइस में? नहीं, किसी तरीके का भी नॉइस नहीं, ना डिस्टॉर्शन, बहुत क्लियर आवाज़ आ रहा है। ओके, थैंक्स ब्रो। ओके, थैंक यू। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, इन हेडफोन्स का साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद में मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि तो जो भी रिसीविंग एंड में होगा उसको साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर आने वाले। तो दैट इज़ समथिंग, बिकॉज आई हैव टेस्टेड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अगर आप ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, तब भी ये हेडफोन काफ़ी एक अच्छा आपको आउटपुट दे सकते हैं। सो गाइज, वट इज़ द बॉटम लाइन, आपको ये खरीदना चाहिए प्रोडक्ट की नहीं? एंड पर्सनली बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एंड आई एम गोइंग टू यूज़ इट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा इसके जो साउंड क्वालिटी है, साथ में कॉल क्वालिटी है। तो एक बहुत ही अच्छा आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं इस प्राइस रेंज में।
खैर अभी जो इसका अमेजोन का प्राइस है वो अभी 2000 जितना पहुंच गया, लेकिन इसका प्राइस ड्रॉप भी होता है। तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली कीप एन आई आउट, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना है तो डेफिनेटली जाके करो। बहुत ही ज़्यादा सॉलिड प्रोडक्ट लगा एंड आई कैन सी वाई दिस प्रोडक्ट गॉट सो मेनी पीपल हाइप्ड अप। तो अगर आप एक ओवरऑल हेडफोन देख रहे हो जिसमें आप गेमिंग भी कर सको, जिम वगैरह भी जा सको, आउटडोर्स के लिए भी चाहिए, कंफर्टेबल भी हो, कॉल्स भी अटेंड करना हो, अच्छी क्वालिटी भी हो साउंड की, तो इससे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट इस प्राइस रेंज में अभी मार्केट में नहीं है। तो डेफिनेटली गाइस अगर आपको चाहिए तो खरीदो इसको जाके, मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, 10/10 है ये प्रोडक्ट। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय।